नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के बीच आज इंदौर से एक कोरोना पेशेंट को इलाज के लिए चेन्नई एयरलिफ्ट किया गया। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी प्रवीण जड़िया ने बताया कि 60 वर्षीय एक कोरोना पेशेंट पिछले 10 दिनों से इंदौर के एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। उन्हें कोरोना संक्रमण के साथ ही हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर जैसी बीमारी भी थी। यहाँ चिकित्सकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बावजूद उनमें वह सुधार नहीं हुआ जो अपेक्षित था। इसके बाद पेशेंट के परिजनों द्वारा चेन्नई के डॉक्टरों से चर्चा की गई और उनके खुद के खर्च पर पेशेंट को चेन्नई एयरलिफ्ट किया गया। सर, एक कोविड पेशेंट को एयरलिफ्ट करके चेन्नई पहुंचाया गया है, क्या सीरियस कंडीशन थी और कहां से किस तरह से हॉस्पिटल में? विगत 10 दिनों से एक निजी चिकित्सालय में इलाज करा रहे थे और उनको कोरोना के साथ में हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर और पेनक्रियाटाइटिस की भी समस्या थी। यहाँ पर चिकित्सकों द्वारा अथक परिश्रम के बावजूद भी उनमें वो सुधार नहीं हुआ जो अपेक्षित था। परिजनों के द्वारा चेन्नई के एक निजी अस्पताल में चर्चा की गई, वहाँ के चिकित्सक से वीडियो पे कॉल की गई और तत्पश्चात वहाँ ले जाने का निर्णय लिया गया। आज सुबह उनको एयरलिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस के द्वारा चेन्नई भेज दिया गया है। पार्टनर सिंगल उन्हीं को भेजा गया है? जी, ये उनके व्यक्तिगत खर्चे पे और व्यक्तिगत उनकी व्यवस्था पे भेजा गया है। ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल मतलब शिफ्ट? जी। और सर, एज कितनी थी? लगभग 60 वर्ष की करीब की। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट।